आज हम आपको बताएंगे कि बिना ड्राइवर भी ट्रेन दौड़ने लगती है और दूसरे स्टेशन पर पहुंच भी जाती है। जी हाँ, ऐसी ही एक घटना इंडियन रेलवे के सामने आई है, जिसमें ट्रेन बिना ड्राइवर के 80 किलोमीटर तक दौड़ती रही। आइए आपको बताते हैं कि पूरा मामला है क्या। दरअसल हुआ यूं कि जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह जम्मू के कटवा रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसका इंजन चालू था। इसी बीच लोको पायलट इंजन से नीचे उतर गया। इतने में मालगाड़ी बिना लोको पायलट के ही दौड़ने लगी। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने मालगाड़ी को रोकने में सफलता हासिल की। ये घटना जम्मू के कटवा की है, जहां से चलकर ये रेलगाड़ी पंजाब के होशियारपुर तक पहुंच गई। इस दौरान मालगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ती रही। गनीमत ये रही कि इस घटना में कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। खबरों के मुताबिक ड्राइवर चाय पीने के लिए उतरा और इंजन बंद नहीं किया। तभी 53 डिब्बों के साथ ये मालगाड़ी वहां से चल पड़ी, जिस पर 80 किलोमीटर बाद काबू पाया गया।